मेरे पीछे है पटना जंक्शन, जिसे पहले बांकीपुर स्टेशन के नाम से शुरू किया गया था 1861-62 में। और यहाँ से मैं शुरू क्यों कर रहा है वीडियो, क्योंकि कल एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे, जिससे मुझे लगा कि सिर्फ अलग अलग रेस्टोरेंट या कैफ़ेज़ को कवर करने से अच्छा है थोड़ी सी अपने शहर के बारे में, अपने खाने के बारे में भी लोगों को बताया जाए। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग बनाऊँगा मैं। आज की वीडियो में आपको लिट्टी के बारे में बताऊंगा, किस तरह की लिट्टी पटना में मिलती है, लिट्टी क्या होता है। क्योंकि जो कमेंट था उसमें ऐसा लिखा गया था कि बिहार के लोग, मुझे लगता था कि सिर्फ लिट्टी चोखा या दाल चावल ही खाते हैं, मटन कैसे खा सकते हैं। तो इस कमेंट के बाद एक ज़िम्मेदार ब्लॉगर, एक ज़िम्मेदार इन्फ्लुएंसर होने के नाते मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ी सी हमारी लोकल प्लेसेस की जो चीज़ें हैं वो भी लोगों तक साझा किया जाए। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, और ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है और इसमें आपको लिट्टी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुरानी लिट्टी दुकान हम लोग आ गए, स्टेशन पे है, बहुत ही फेमस है, और आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको मिल जाएगी। भैया हमारे साथ है चौरजे भैया, और 1956 से आपकी दुकान है। 1956 से? हाँ, और अभी लंच आवर है इसलिए रश है, और आज मौसम भी अच्छा है लिट्टी खाने वाला। तो 60 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, ऑलमोस्ट 65 साल हो गए हैं इस जगह को यहाँ पे, और बहुत पॉपुलर है। अगर आप पटना में आते हैं लिट्टी खाना चाहते हैं तो यहाँ की लिट्टी आपको ओरिजिनल स्टाइल में, जैसा सोंधा सोंधा लिट्टी बनाते हैं जी, वैसा है। और ख़ास क्या है आपकी लिट्टी का? ऐसा लिट्टी अपने आप में ही खास है जी, क्योंकि बिना कलर केमिकल का अगर कोई डिश बनता है तो वो लिट्टी चोखा ही है जी। और हम सभी लोग को पसंद है, पूरे बिहार वासियों को पसंद है, बिहार हर हर घर में बनता है और लिट्टी सब लोग को पसंद है। अच्छा, अभी जब हम मेकिंग देख रहे थे तो आपका सत्तू थोड़ा आप टाइट सनवाते हैं लगता है। हाँ, और छोटा छोटा लोई जैसा काट। हाँ, चूँकि भरने में आराम हो, भरने में आराम, और ताकि, और उसके बाद कि अंदर का जो सत्तू है अगर बंद बंद रहेगा तो वो अपना फ्लेवर को समेटे रहेगा। अच्छा। अगर खुलेगा तो वो फैलेगा। हाँ, ये चक्कर है। ये बहुत अच्छा टिप बताए हैं कि आप भी अगर घर में सत्तू बनाएंगे थोड़ा गीला बनाइएगा तो पकड़ के रखेगा। और चोखा जो हम देख रहे हैं, चोखा किस चीज़ का बनाया है? आलू बैगन टमाटर धनिया का पत्ती, ये मिक्स करके, आलू बैगन बिल्कुल विदाउट कलर केमिकल, जो नेचुरल घर में साग सब्जी होता बस उसी से तैयार किया जाता है, जैसा हम लोग घरों में बना के जिस तरह से खाते हैं बिल्कुल वैसा ही है। टेस्ट लेंगे, आपको बताएंगे। अच्छा, टाइमिंग बता दीजिए भैया। हमारा टाइमिंग है सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। 11 बजे सुबह शाम तक। और ये एरिया न्यू मार्केट कहलाता है। न्यू मार्केट? हाँ, जी हाँ। ये न्यू मार्केट मस्जिद के अपोजिट पिलर नंबर 6 के सामने। न्यू मार्केट मस्जिद के अपोजिट पिलर नंबर 6 के सामने, ठीक है। अच्छा, डिलीवर भी कराते हैं क्या? नहीं, ये सब नहीं है। आप मतलब आपको आके, अच्छा आइएगा तो जगह का भी तो एक्सपीरियंस लीजिएगा, जो पुराना पूरा लुक एंड फील है वो मिलेगा। बोलते ऐसे ही है क्योंकि अपनापन इसी जगह पे मिलता है। अगर इसको ज़्यादा हाईटेक कर देना तो अपनापन में नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी हमारे कस्टमर हैं सारे पुराने कस्टमर हैं और सब एक पारिवारिक सदस्य के तरह हैं। हर कस्टमर किन्हीं से भी आप मिलेंगे या बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कोई 10 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, कोई 20 साल से जुड़े हैं, काफ़ी पुराने पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है जी बिल्कुल। और आपका जो खाने का क्वालिटी वो भी हमको बहुत साफ़ सुथरा लगा, घी भी आप बड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हैं राज का। तो चलिए अब टेस्ट करेंगे और आपको लिट्टी का पूरा एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। शुद्ध खाइए और स्वस्थ रहिए। शुद्ध खाइए और स्वस्थ रहिए। देखिए, एक प्लेट लिट्टी और चोखा हम ले लिए हैं। लिट्टी 2 पीस है, 10 रुपये पीस है, 2 पीस लिए हैं, 20 रुपये का प्लेट है। अब इसको, बाप रे बड़ा गर्म है, अब इसको बताते हैं आपको टेस्ट करके। वैसे जो लिट्टी होती है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ, सत्तू चने, काला चना जो होता है, चने के भुंजा का सत्तू बनाते हैं। उस सत्तू को फिर उसमें बहुत सारे मसाले मिला के और उससे बनाते हैं लिट्टी की स्टफिंग। और आटा होता है, आटे को गूँथ कर उसके अंदर ये सत्तू की स्टफिंग भरते हैं। जनरली गाँव गाँव में गोइठे पे बनाते हैं, गोइठा आपके यहाँ उपला बोलते होंगे, गाय के गोबर का बनता है गोइठा। अगर अमेज़ॉन पे जाएंगे तो आपको काउ डंग केक के नाम से भी मिल जाएगा, आजकल वो भी बिकता है। तो गोइठे पे बनाते हैं। अब गोइठे पे हर जगह कमर्शियली आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी जो आँच होती है ना वो एक बार तेज़ होगी और फिर आँच ठंडी हो जाएगी। तो आपको अगर कंटिन्यूसली बनाते रहना है तो गोइठे पे नहीं बना सकते, फिर वहाँ पे कोयला का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोयले पे बनी हुई लिट्टी खा रहे हैं। और जो चोखा है उसमें आलू बैगन टमाटर, कलर के हिसाब से हमको लगता है कि बैगन थोड़ा ज़्यादा है। टेस्ट करके आपको बताते हैं। वाह,
मैं मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अपने घर में बैठ के नहीं खा रहा हूँ। वही घर वाला शुद्ध स्वाद है, बैंगन की मात्रा अधिक है, जैसे मैंने आपको बताया था, आलू भी है, प्याज भी है, और मसाले बहुत नहीं, एकदम हल्के हल्के मसाले, काली मिर्च भी मिली मुझे, और सद्दू भी बहुत बेसिक बनाया गया है नमक के साथ, उसमें काली मिर्च डाला गया है, थोड़ा सा लहसुन है, धनिया का पत्ता है, मिर्ची है, बहुत बढ़िया। और ये बैंगन को आग पे पकाया गया है, जो चोखे की कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होती है, ना बहुत रनी ना बहुत थिक। अच्छा, खड़ा काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया है इसमें, तो इस बात का आप ध्यान रखिए खाते वक्त, क्योंकि हो सकता है कि एक पूरी काली मिर्च आप खा जाए। एनीवेज, टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, मैं क्या बताऊँगा, 65 साल से भी ज़्यादा पुरानी दुकान है, और भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, चहल पहल हमेशा रहती है यहाँ पे, और 7 बजे शाम तक ही खुलेगी, सुबह 11 बजे से, संडे को मत आइएगा, संडे बंद रहता है, एक बार आके हम लोग धोखा खा चुके हैं। अच्छा देखिए, सत्तू भी हमने थोड़ा सा मंगाया था एक्स्ट्रा, ताकि वो आपको दिखा सकूँ, सत्तू भी आ गया हमारे पास। अच्छा, सत्तू देखिए गीला साना गया है, काली मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, अजवाइन, मंगरेल जिसको कलौंजी भी बोलते हैं बहुत जगह पे, वो डाला गया है थोड़ा सा इसका, ये सिर्फ सत्तू खा के बताते हैं। और गीला सानने का मतलब भैया ने बताया ही कि जो एसेंस है वो पूरा अंदर में दबा रहेगा, ऐसा नहीं कि वो फैल जाएगा। बहुत बढ़िया, जो सत्तू होता है उसका भी अपना एक फ्लेवर होता है, भुने हुए चने का, और यहाँ सत्तू की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने अभी पैकेट देखा था, एक पटना का बहुत फेमस ब्रांड है श्री कमल सत्तू, ये वही वाला है, बहुत टेस्टी। अच्छा, ब्रांड से याद आया, घी बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, राज का घी है, राज एक बहुत अच्छा नोन ब्रांड है, और जब ढक्कन खुला ना घी का डालने के लिए बर्तन में, इतनी अच्छी खुशबू आई थी वहाँ से, और लिट्टी चोखा, और लिट्टी जब तक घी मैंने डुबा के दी गई हो मज़ा ही नहीं आएगा। आप भी कभी आइएगा, अगर बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, तो लिट्टी ज़रूर खाइएगा, बहुत यूनिक चीज़ है, और हमारे घर घर में एक कल्चर है, मतलब लिट्टी का बहुत ही उम्दा और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है डिश। यूपी में जाइएगा तो इसी को बाटी बोलते हैं, राजस्थान में बाटी बोलते हैं, वहाँ पर सत्तू नहीं भरते, सिर्फ आटे की लोई बना के आग में पका देते हैं, मज़ा लेते हैं इसका। और आपसे मिलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अगली जो जगह जहाँ हम आए हैं वो है गांधी मैदान का गेट नंबर 10, सामने एग्जीबिशन रोड, और जब आप एग्जीबिशन रोड में एंटर कर रहे होंगे, कोने पे आपको मिलेगी अर्जुन लिट्टी की दुकान। अब मैं अर्जुन लिट्टी की दुकान क्यों आया हूँ भाई, पहला रीज़न कि यहाँ पे आपको दिखानी है फ्राइड लिट्टी, और उसको कचौड़ी भी बोलते हैं कई जगह, मैदे की होती है, साथ में मिलता है आपको घुघनी। घुघनी क्या होता है कि काले चने की सब्जी होती है, बिहार में बहुत फेमस है, उसको घुघनी बोलते हैं, कहीं पतला बनता है कहीं गाढ़ा बनता है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि जब मेरी पहली जॉब लगी थी पटना में, मैं एक न्यूज़ चैनल में था, और लंच के टाइम पे अक्सर हम लोग आते थे और ठेले पर इनका लिट्टी और घुघनी ट्राई करते थे, तो आप समझो कि ठेले से इन्होंने शुरू किया था और आज अच्छी खासी दुकान है। और आज मैं स्पेशली संडे को आया हूँ, उसका खास कारण है कि बाकी दिनों में ऑफिस के लोग इतने होते हैं यहाँ पर, इतनी भीड़ होती है कि शायद शूट करना मुश्किल होता, तो आज मैं स्पेशली इसीलिए आया हूँ कि शूट कर सके आसानी से, थोड़ी बातें भी करेंगे, और चलिए आपको लिट्टी का तो टेस्ट कराना ही है। यहाँ कब शुरू कर लिए? यहाँ 2 महीना पहले लगाए सर। अच्छा, इसलिए लगाए कि वहाँ पर बिल्डिंग बन रहा था, गर्दा-उर्दा गिरता था, ग्राहक भी शिकायत करते थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो भाई किराया में लेकर के लगा दो, लॉकडाउन के मारे हुए थे। अच्छा, तो लॉकडाउन के मारे हुए थे, कर्जा लेकर के हमने ये सब करके अपना असंभव को संभव किए। बहुत बढ़िया। हम उस समय से हैं जिस समय बोरा ओढ़ के रहते थे, बोरा ओढ़ के, हाँ, इस गांधी मैदान में। अच्छा, हम बोरा ओढ़ करके रहे हुए 83 में, शान जो चाहे ऊपर सकता है। हाँ, इसलिए कि मेरे चाचा भेटाइन हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। अच्छा, बगनौली हाई स्कूल के। अच्छा, तो वही मोड़ पर मिली, हम रिक्शा पर अंडा बेच रहे थे, तो कहीं की दूसरे आदमी पूछा कि के है मास्टर, तो मेरा गाँव का आदमी है। अच्छा, अगर मेरे पास उस समय दुकान रहता तो वो बोलते कि मेरा भतीजा का दुकान है, अपना चाचा, खुद चाचा, सगे चाचा, सगे चाचा। तो उसी समय हम प्रण कर लिए कि जब परिश्रम करके दुकान खोलेंगे। क्या बात, खुला, बहुत बढ़िया, इससे बहुत खुशी हुआ होगा आपको जिस दिन आप ये दुकान शुरू किए होंगे। बेटा लोग के भी पढ़ाए। हाँ, बेटा लोग के भी जॉब लगा दिए,
अच्छा, स्वाद आज भी आपका वैसा ही है जैसा हम 2013 में खाते थे पहले। हाँ तो उस समय तो रेड़ी पर लगता था, रेड़ी पर लगता था। हाँ उस समय तो आप आइए ना, सोमवार को आइए, कितना भीड़ रहा। हम देखे दोपहर में, हम लोग जब लंच होता था ना, न्यूज चैनल से निकलते थे। जी जी, आपके यहाँ जरूर खाते थे। पैसा जोड़ के हमने बहुत परिश्रम से, और आप तरक्की करिएगा इसमें। ग्राहक का सेवा ही करना हमारा धर्म है। जी ठीक ना, बिल्कुल। बातें आपने सुनी इनकी, बहुत ही मधुर बोलते हैं और बहुत ही अच्छा लगन से काम करते हैं, और यही रीज़न है कि ठेले से आज दुकान अपनी कर ली है। आगे भी तरक्की करेंगे ही अगर ऐसे रह। अब आते हैं लिट्टी के टेस्ट पे, तो लिट्टी मैदे की मिलेगी आपको, सत्तू भरा हुआ है, सत्तू में भी अच्छा फ्लेवर है, फ्राइड लिट्टी है, क्रिस्प होगी। अगर आप ऐसे खाते हैं बिना सब्ज़ी के तो क्रिस्प मिलेगी आपको। सब्ज़ी चने की है, काला चना, सब्ज़ी तीखी होगी। जो मैंने आपको कई बार बताया कि हमारे बिहार में तीखा ज़्यादा चलता है, लाल मिर्च का पुरजोर इस्तेमाल, फुलटुस, मतलब हमारे ये फुलटुस भी बहुत चलता है कि 100% फुल है। और 20 रुपये का प्लेट है, दो लिट्टी मिलेगी, बहुत इकोनॉमिकल है। बाकी अगर आप ऑफिस वाले दिन आते हैं तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि लिट्टी में जो सत्तू का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसे किसी भी ग्रेवी के साथ खाएंगे तो वो पूरे ग्रेवी को अपने अंदर खींच लेती है और उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इस लिट्टी को भी ख़त्म करते हैं और आपको एक अलग तरह की लिट्टी दिखाते हैं आगे। अभी हम लोग हरिनिवास कॉम्प्लेक्स के पास, हरिनिवास मोरेलो के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग है, और ये जो ठेला आप देख रहे हैं काट डीके लिट्टी, बहुत ही फेमस है। यहाँ से लेके विदेशों तक, सिंगापुर, फिलीपींस में भी कई सारे अवार्ड जीते हैं इन्होंने। और ये जो लिट्टी है ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये इस तरह की आटे की लिट्टी है और इसे कोयले पर भी सेका जाएगा। ये चपटी लिट्टी बनाई जाती है। जनरली लिट्टी हमारे यहाँ गोल बनती है, ये वाली चपटी है। इसके साथ मिलेगा आपको चोखा और पोस्ता दाना चने की चटनी। तो टेस्ट करके आपको बताते हैं। बहुत ही फेमस है ये डीके लिट्टी जो है, पटना में बहुत फेमस है। अगर आप कभी आएंगे तो इनकी लिट्टी ट्राई कर सकते हैं, बहुत गर्म है और घी में बाकायदा डुबा के और फिर निकाला जाता है इसे। लिट्टी है, चोखा है, चटनी है, थोड़ा सा सलाद है प्याज व्याज के साथ, और मिर्ची है, और 25 रुपये प्लेट इसका दाम है। इसका टेस्ट लेके आपको बताते हैं। आटा का लिट्टी बताए हैं लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा सा मैदा मिलाया हुआ है। बाप रे बाप, एकदम गर्म आग पे से निकाल के और सीधा प्लेट में डाल दिया है। अच्छा, लिट्टी का जो सत्तू है इनका, इसमें मुझे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा अच्छे से खोल लेते हैं इसको। ओह बहुत गर्म है, बहुत गर्म। आइए पास आइए, ये देखिए, देखिए सत्तू है इसमें। मुझे ये थोड़ा सा लहसुन क्रश किया हुआ दिख रहा है, आप देख सवा रहे हैं, लहसुन क्रश किया हुआ है। थोड़ी सी मिर्ची दिख रही है, धनिया दिख रहा है और मसाले दिख रहे हैं। थोड़ा सा कलौंजी भी है, हमारे यहाँ उसको मंगरैल बोलते हैं, कलौंजी और अजवाइन, ये भी चीज़ है। और लगता है कि आटे की ही लिट्टी है, लग तो रहा है मेरे को। और साथ में चोखा है, चोखा जनरली भरता बोलते हैं बहुत जगह। चोखा में आलू और टमाटर है, शायद बैंगन भी है। इसको पकाने के बाद आप उसका पूरा पेस्ट बना लेते हैं और भरता है। बहुत माइल्ड टेस्ट है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ हो रहा है, एकदम हल्का है। आपको जो चोखा का टेस्ट है वो तो बहुत ही हल्का है, शायद आपको फीका फीका सा भी लगे, लेकिन अच्छा। लेकिन चटनी में बहुत झांस है, चटनी बहुत तेज है, सरसों तेल डाला गया है, वो भी अच्छा झांस वाला सरसों तेल है। लहसुन भी है, चना भी है, पोस्ता दाना भी है। और एक्चुअली में जब आप ये चटनी और चोखा इन दोनों को मिला देते हैं तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आएगा। तो आप ये डीके वाली लिट्टी या मौर्यलोक में है तो मौर्यलोक में कहीं भी इस तरह की चपटी लिट्टी भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक तरह की लिट्टी है जो हमारे यहाँ बिहार में मिल रही है आजकल। लिट्टी खाने का तरीका क्या है कि सत्तू के साथ आपको लिट्टी लेनी है और उसमें जो भी आप ग्रेवी वाला चीज़ खा रहे हैं, जैसे कि अगर आप चोखा खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, उसकी ग्रेवी में उसको पूरा अच्छे से डिप करना इस तरह से। और फिर वाह, टेस्ट बढ़ जाएगा साहब। तो गाइज होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और रिसेंटली मैंने अमेज़ॉन से कुछ 5 प्रोडक्ट्स मंगाए हैं और सोचा आपके साथ शेयर करूं। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और हर किसी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रोडक्ट्स काम आ ही जाएंगे। तो गाइज जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो है डेव हर्ब्स का ये विटामिन ई ऑयल। और विटामिन ई ऑयल आपको पता होगा कि आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके नेल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये USA से आता है, प्रीमियम क्वालिटी का ऑयल है
तो ये स्पेशली मैंने अपने बालों के लिए मंगाया है विटामिन ई ऑयल। इसकी जो प्राइस लिखी हुई है वो है 399 रुपीज़, लेकिन ये मुझे मिला है 279 रुपीज़ में ही। तो अगर आप अमेज़ॉन से ख़रीदते हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलता है। लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। अमेज़ॉन की हमेशा ही सेल आती रहती है, तो आप वहाँ से ये प्रोडक्ट सस्ते में ख़रीद सकते हैं। तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी हेयर से ही रिलेटेड है, ये है खादी नेचुरल्स का स्वीट आलमंड ऑयल। तो इसे भी मैंने हेयर के लिए मंगाया है। खादी नेचुरल एक बहुत बढ़िया अच्छा ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। इसकी प्राइस है 700 रुपीज़, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मिला है मुझे सिर्फ 376 रुपीज़ में। और अमेज़ॉन के लिए तो कुछ कहना नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स ओरिजिनल मिलेंगे, टाइमली डिलीवरी होगी। तो जो अगला प्रोडक्ट है वो भी हमारा हेयर से जुड़ा हुआ है, और ये है मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, आपको पता होगा कि ये प्योर कोकोनट ऑयल होता है, इसे आप खा भी सकते हैं और ये चेहरे पे लगाने के लिए भी काम आता है। बहुत फ़ायदेमंद होता है वर्जिन कोकोनट ऑयल, और इसे आप डायरेक्टली कुक भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, 100% कोकोनट ऑयल है। और ये भी मैंने मंगाया अमेज़ॉन से ही, और लिंक आपको पता है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फॉरेस्ट एसेंशियल, ये ब्रांड के बारे में आपने सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूँ, लग्जरी आयुर्वेदा सेगमेंट में ये ब्रांड आता है। प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बहुत ही अच्छे, जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेस्ट एसेंशियल्स के आते हैं, और सारे नेचुरल हैं, हर्बल हैं। और ये इनका एक गिफ्टिंग सेट है फॉर हिम, आप लड़कों को दे सकते हैं, और इसके अंदर एक फेस वॉश, आफ्टर शेव और फेशियल मॉइस्चराइज़र, ये तीन चीज़ें हैं। आप चाहें तो फॉरेस्ट एसेंशियल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं, अमेज़ॉन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा, लास्ट चीज़ जो मैंने मंगाई है वो वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सोचा मैंने कि परचेस किया है तो आपको दिखा दो। दो वॉचेस मंगाई है, घड़ी स्पाइडरमैन वाली है, जेनरिक है, कोई खास ऐसा ब्रांड नेम नहीं है, बट क्यूट लगे मुझे, अच्छे वॉचेस हैं, क्वालिटी इनकी अच्छी लगी, और बच्चों क्या है उनको तो ऐसी चीज़ें ही पसंद है। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो उनको आप इस तरह की घड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत खुश हो जाएंगे, स्पाइडरमैन बना हुआ है इसमें, और भी अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ ही आते हैं। बहुत महंगे नहीं है, सिर्फ 199 रुपीज़ में ये एक घड़ी है। तो गाइज, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। और बस अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिएगा।